इस वीडियो में मैं आपको जो बात बताने वाला ना, उसके बाद आपका कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि WWE प्लान ही कुछ ऐसा कर रही है रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के विनर टेक ऑल वाले मैच के लिए। गोल्डबर्ग ने कहा कि भाई जब कोई उनका पहला स्पियर मूव यूज करता था उनको दिक्कत होती थी, लेकिन अब नहीं होती। इसके पीछे क्या रीजन है? एक और WWE का सुपरस्टार AEW के अंदर जा चुका है और रोमन रेंस एंड द रॉक के मैच में संकट के बादल आ गए हैं। तो गाइस काफी सारी बात होने वाली है इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। और इस हफ्ते रॉ के साथ व्यूअरशिप के मामले में कुछ ऐसा हुआ है कि विंस मैकमैन को काफी ज्यादा खुशी होगी। लास्ट वीक जो व्यूअरशिप आई थी जो मंडे नाइट रॉ की, वो थी 1.602 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन गाइस इस हफ्ते ये लगभग 14% बढ़ गई है और रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.825 मिलियन व्यूअर्स। और अभी रिसेंट टाइम में 1.8 के आसपास शायद एक ही बार आई थी रॉ की व्यूअरशिप, उसके अलावा आई नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि चेंबर के अंदर डेफिनेटली WWE ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से फैंस ने ट्यून किया रॉ को देखने के लिए। और वैसे भी आपको पता है क्योंकि चेंबर के अंदर ब्रॉक लेसनर चैंपियन बन गए थे, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हुआ। अब देखते हैं क्या ये व्यूअरशिप 2 मिलियन जा पाती है फिर नहीं, क्योंकि अगर रेसलमेनिया सीजन के आसपास WWE रॉ की व्यूअरशिप 2 मिलियन नहीं गई तो फिर कब जाएगी साल में, वो आप लोग अच्छे से समझ ही सकते हो। मतलब कभी भी नहीं जाने वाली है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं AEW के उस सुपरस्टार के बारे में जो कि पहले WWE के अंदर थे और आज ही वो आए हैं AEW के अंदर। क्या बोल रहा हूं मैं, एक्स WWE सुपरस्टार इन AEW, और गाइस ये नाम है बडी मर्फी का। और गाइस बडी मर्फी को बुक भी उसी सेगमेंट के अंदर किया गया जहां पर उनकी WWE में हिस्ट्री है। तो मैलाकाय ब्लैक की जो एक टीम चल रही है इस समय द हाउस ऑफ ब्लैक, उसके अंदर जो है मर्फी आ चुके हैं। मतलब मैच के अंदर, मतलब टैग टीम मैच चल रहा था और मैच में हमने बाद में देखा कि जो मर्फी है वो अचानक से मैलाकाय ब्लैक यानी कि एलिस्टर ब्लैक को ज्वाइन करते हैं। अब शुरू में देखकर मर्फी ने ऐसा टीज किया कि जैसे कि वो उनके अगेंस्ट, लेकिन बाद में उनके साथ ही हो गए। अभी WWE के अंदर तो आपको पता ही है कि कैसी राइवलरी चल रही थी लंबी वाली मर्फी और एलिस्टर ब्लैक की। अब AEW के अंदर दोनों सुपरस्टार आ चुके हैं और सेम प्रोग्राम के अंदर है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स भी मिला इसको। मतलब AEW ने जब ऐसे डाला कि भैया जो मर्फी हैं वो ऑल एलीट हो चुके हैं, तो इसके बाद जो है रिएक्शन भी काफ़ी अच्छा आता है फैंस की तरफ से। तो अब ये जो सुपरस्टार है वो आपको AEW के अंदर देखने को मिलेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई डायनामाइट के शो पर आज, जब क्रिस जेरिको और एडी किंगस्टन का प्रोमो सेगमेंट चल रहा था तो वहाँ पर ट्रिपल एच का जो रियल नाम है पॉल लेवेक, उसको उन्होंने ड्रॉप किया। और उसके बाद जो रिएक्शन है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आए थे। जो लाइन यहाँ पर एडी किंगस्टन ने बोली वो थी, गिव मी द क्रिस जेरिको दैट योर क्लोज फ्रेंड लेवेक हेटेड। मतलब इससे उन्होंने यहाँ पर ट्रिपल एच का जो रियल नाम है उसको ड्रॉप किया और फैंस की के ऊपर अटेंशन मिली थी। तो काफी कुछ डायनामाइट के शोज पर भी हो रहा है आजकल और रेवोल्यूशन के अंदर तो बड़े मैचेस भी होने वाले हैं उनके, जिसको हम लोग करेंगे वीडियो के अंदर कवर। लेकिन आज ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी डायनामाइट के एपिसोड से। नेक्स्ट गाइस हम लोग यहां पर बात करते हैं उस चीज के बारे में जो कि टीज है, रूमर्ड है, और ये रेसलमेनिया 38 का केविन ओवंस वर्सेस स्टोन कोल्ड का मैच है। मुझे लग रहा है हर एक वीडियो के अंदर एक ना एक सेगमेंट तो अब आने वाले हैं, सारी वीडियोस के अंदर जरूर आने वाला है जहां पर केविन ओवंस और स्टोन कोल्ड की बात होगी। ट्विटर पर फैन ने केविन ओवंस से पूछा कि आर यू अ फैन ऑफ बियर, मतलब कि क्या तुम्हें बियर वगैरह ऐसा पसंद है। तो इस पर जो रिप्लाई था केविन ओवंस का वो था, बियर इज ग्रोस मैन। और आपको पता है बियर किसकी फेवरेट है, बियर है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की फेवरेट। तो यहां से वो फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं टीज करना केविन ओवंस, मतलब खुद का और स्टोन कोल्ड के अगेंस्ट उनका मैच है। मैं आपको बता चुका हूं कि ऑलरेडी WWE के जो प्लान्स है उसके अंदर ये है और स्टोन कोल्ड का जो रिटर्न वो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा टेलीविजन के ऊपर। वैसे कुछ ही टाइम की बात है, नेक्स्ट वीक या फिर उससे नेक्स्ट वीक, क्योंकि फिर रेसलमेनिया के लिए प्रोग्राम भी स्टार्ट करना है ना। तो यहां से जो सारी चीजें वो केविन ओवंस और स्टोन कोल्ड के मैच की तरफ लीड कर रही है, एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। किस तरीके से WWE इसको प्लान करेगी वो देखना यहां पर काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं WWE रेसलमेनिया 38 के प्रेजेंटिंग पार्टनर्स के बारे में। और गाइस WWE ऐसा पहली बार कर रही है रेसलमेनिया के लिए कि उनके जो प्रेजेंटिंग पार्टनर्स है इस बार वो दो होने वाले हैं। पहला है स्निकर्स और दूसरा है WWE 2K22। मतलब आप लोग इसे समझ सकते हो कि WWE को दो दो स्पॉन्सर मिले हुए शो के, तो उनका कितना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ाने की बात हो रही है। इवन ट्विटर के ऊपर गाइस स्निकर्स और WWE 2K22 जो है आपस में लड़ भी गए, यहां तक ये भी बात आ गई कि चलो रिंग में दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मतलब WWE स्टाइल वाली उन्होंने फ्यूड भी कर दी। हां हालांकि ये सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए था ताकि फैंस जो है हाइप्ड अप रहे रेसलमेनिया के लिए और खुद से, क्योंकि वो प्रेजेंटिंग पार्टनर से तो भाई अपना भी तो नाम करेंगे ना। तो रेसलमेनिया 38 के इस बार दो स्पॉन्सर्स होने वाले हैं, एक तो WWE का खुद के 2K22 गेम जिसके बारे में मैं आपको आगे भी वीडियोस में काफी ज्यादा बातें बताने वाला हूं, और हां एक स्निकर्स जो कि आपको यूजुअली WWE के शोज के पार्टनर के तौर पर देखने को ही मिलता है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं उस संकट के बादल पे जो कि रोमन रेंस एंड द रॉक के मैच में शायद आ चुके हैं। अब आपको पता है रेसलमेनिया 39 जो कि हॉलीवुड से होने वाली है, वैसे तो WWE चाह रही थी कि इस साल ही हमको जो है रॉक देखने को मिल जाए, लेकिन WWE के प्लान्स में वो चीज नहीं हो पाई। लेकिन हॉलीवुड वाले रेसलमेनिया तो भाई वहां पर तो द रॉक को WWE का लाने का प्लान है ही है। लेकिन गाइस ड्वेन जॉनसन की आपको पता है XFL अमेरिकन फुटबॉल की जो कंपनी है उसके प्रमोशन में जो पूरा टाइम है मिड वाला रॉक का वो जाने वाला है, और वो उसी टाइम पर होगा जब WWE अपने रेसलमेनिया को प्लान करती है। और डेव मेल्टजर के अकॉर्डिंग द रॉक के लिए WWE के लिए अवेलेबल हो पाना
दिखाना अपने प्रमोशन के टाइम पर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर रॉक काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि द रॉक WWE के अंदर आएंगे तो सिर्फ एक अपीयरेंस करके उनको जाना है। अगर उनको रोमन रेंज के साथ फ्यूड करनी है तो उनको लगातार WWE के अंदर अपीयरेंसेस करनी होगी और उसके बाद रेसलमेनिया का बड़ा मैच। लेकिन इस XFL की वजह से हो सकता है WWE की जो रेसिपी है उसमें जो है एक मसाला कम रह जाए। रेसलमेनिया की मैं बात कर रहा हूँ, कैसा एग्जांपल दिया लेकिन समझ गए होंगे आप लोग। तो ये यहाँ पर रॉक को लेकर इस समय सिचुएशन है। अभी हो सकता है आने वाले टाइम में ज्यादा ज्यादा चीजें हमको बदलती भी दिखा रहे हैं, बट ये कहीं से भी एक पॉजिटिव साइन नहीं है। अगर आप द रॉक एंड रोमन रेंज का मैच एक्सपेक्ट कर रहे हो WrestleMania 39 के लिए, वैसे भी तो WrestleMania 38 नहीं हुई, आप लोग सोचेंगे मैं 39 की बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है पहले से WWE के प्लान्स बन जाते हैं और अगर ये चीज उस चीज में रोड़ा बनने वाली है तो फिर हम WWE फैंस को उतना मजा नहीं आएगा। होप करते हैं तब तक सिचुएशन कुछ ना कुछ बदले और देखते हैं तब क्या सीन बनता है रोमन रेंज एंड द रॉक के इस बड़े वाले मैच का। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और WWE 2K22 से रिलेटेड है। T-Bar जो कि गाइस आपको पता है रेट्रीब्यूशन के पहले मेंबर हुआ करते थे, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट डाला अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जहां पर ऐसा लग रहा है कि वो अपनी WWE 2K22 जो गेम की रेटिंग है उससे डिसअपॉइंटेड है। 76 उनको भी मिली हुई है और 76 उनके पार्टनर मेज को भी मिली हुई है, लेकिन गाइस इंटरेस्टिंगली 76 जो रेटिंग है वो विंस मैकमैन की भी है, मिस्टर मैकमैन की भी है, जो कि आपको पता है गेम में हम लोग उन्हें खेल सकते हैं। तो गाइस यहां पर उन्होंने कैप्शन में लिखा, पहले तो तीनों फोटोज डाले, लिखा है 76 इज फॉर लेजेंड्स ओनली, यानी कि जो 76 रेटिंग है वो सिर्फ लेजेंड्स को मिलती है, क्योंकि वो उनको भी मिली, उनके पार्टनर को मिली और साथ में विंस मैकमैन को उन्होंने यहां पर घसीट के रख दिया है कि भैया देखो 76 विंस मैकमैन की भी रेटिंग है तो मेरी रेटिंग कहां से कम है, मेरी रेटिंग विंस मैकमैन के बराबर है। तो इस तरीके से उन्होंने सार्कास्टिक वे में कहा है सारी चीजें, क्योंकि वो अपनी रेटिंग से डिसअपॉइंटेड है, इस वजह से उन्होंने ऐसा लिखा। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग दिमाग लगाया वैसे T-Bar ने यहां पर, मतलब इस ट्वीट को भी डालने के लिए, इस बात के लिए तो उनकी दाद देनी पड़ेगी। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, बात करते हैं बिल गोल्डबर्ग के बारे में। तो गाइस जैसे कि आपको पता है स्पीयर मूव से गोल्डबर्ग कितना ज्यादा पॉपुलर हुए रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो हमेशा से ये कहते हैं कि जो स्पीयर है वो मेरा मूव है। लेकिन गाइस रिसेंटली अभी जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो यहां पर उन्होंने कहा कि देखो WWE के अंदर 15-20 सुपरस्टार जो कि स्पीयर मूव का यूज करते हैं और पहले उनके स्पीयर यूज करने से मुझे दिक्कत होती थी, लेकिन अब मुझे दिक्कत नहीं होती क्योंकि जब वो स्पीयर यूज करते हैं तब लोगों को पता चलता है कि असली में स्पीयर यूज करने का मास्टर कौन है। और यहां पर मास्टर खुद गोल्डबर्ग अपने आप को कह रहे थे कि जब तुम दूसरों का स्पीयर देखते हो और जब तुम मेरा स्पीयर देखते हो तभी तो तुमको डिफरेंस समझ में आता ना कि किसका स्पीयर जो है अच्छा है। और इसलिए वो कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर कोई भी सुपरस्टार स्पीयर का यूज करे क्योंकि मेरा जो स्पीयर है वो सबसे बेस्ट है। तो गोल्डबर्ग ने यहां पर जो अपनी छाती चौड़ी करके एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया है। वैसे गोल्डबर्ग के स्पीयर की बात करें अगर वो अच्छे से डिलीवर करें तो उनका स्पीयर आपको पता है कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, मतलब बिल्कुल तोड़ के निकल जाते हैं। और वैसे भी क्योंकि गोल्डबर्ग कम अपीयर होते हैं तो वो जब भी अपीयर होते हैं, जब भी किसी रेसलिंग मैच के अंदर आते हैं, स्पीयर वो ऐसा देते हैं कि भाई सामने वाले की धज्जियां सच में उड़ जाएं। तो यहां पर स्पीयर के बारे में गोल्डबर्ग का कुछ ऐसा कहना है। अब आप इससे कितने ज्यादा उनकी ओपिनियन से अग्री या फिर डिसएग्री करते हो, क्या स्पीयर गोल्डबर्ग के अलावा और सुपरस्टार यूज कर सकते हैं? वैसे रोमन रेंज भी यहां पर लिस्ट में आ रहे हैं और क्या गोल्डबर्ग का स्पीयर सच में तगड़ा है, बता सकते हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और गाइस ये जुड़ी है रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर के विनर टेक ऑल वाले मैच से जो कि रेसलमेनिया 38 के अंदर होने वाला है। WWE चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखेंगे ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज रखेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन। तो गाइस इस मैच के सबसे लेटेस्ट और जो अर्ली बैटिंग ऑर्डर्स है वो रिवील हो चुके हैं और गाइस ये शॉकिंग है, अब तक किसी भी मैच के अंदर रोमन रेंज मैच में अंडरडॉग नहीं हुए जब से उनके पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। लेकिन गाइस ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इस मैच में जब रोमन रेंज उतरेंगे तो वह एज अंडरडॉग होंगे, क्योंकि इस मैच में मैं तो सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया देख के कि ब्रॉक लेसनर फेवरेट है मैच को जीतने के लिए। इसका मतलब कि रेसलमेनिया 38 के अंदर बैटिंग ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं, यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी ब्रॉक लेसनर के पास आ जाएगी और रेसलमेनिया 38 में आपको ब्रॉक लेसनर डबल चैंपियन देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी आपको पता है कि हमको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद रोमन रेंज का जीतने का चांस ज्यादा है, लेकिन बैटिंग ऑर्ड्स यहां पर कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। और गाइस आपको पता है रिसेंटली जो WWE के बैटिंग ऑर्ड्स है कितने एक्यूरेट साबित हुए, तो अगर ऐसा है तो शायद एक बहुत तगड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। हमको जैसा लग रहा है स्टोरीलाइन वैसी नहीं जाने वाली, बट हाँ अभी देखने वाली बात यह कि रेसलमेनिया को होने में अभी काफी टाइम है, आई थिंक 38 डेज है, तब तक अगर ऑर्ड्स के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर एक अलग बात है। लेकिन जो अर्ली बैटिंग ऑर्ड्स रिलीज हुए हैं उसके अंदर ब्रॉक लेसनर मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। मेरे से तो भाई सच में इमेजिन नहीं हो रहा कि रोमन रेंज के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप जाएगी, और जाएगी तो दूसरी एंड पर देखो हो क्या रहा है, ब्रॉक लेसनर डबल चैंपियन बन जाएंगे, दोनों चैंपियनशिप उनके पास में, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा और निकल कर आया है। देखते हैं क्या इसमें चेंज होता है, क्या WWE इस प्लान के साथ जाती है, और अगर इस प्लान के साथ WWE गई तो उनका जो लैंडस्केप है हम लोग कह सकते हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा कि ब्रॉक लेसनर ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंज को डीथ्रोन किया, वो भी ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल में, जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद रोमन रेंज का सिक्का चलेगा। तो देखते हैं फिर इस मैच के अंदर क्या होता है। बाय गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।